हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ उपवास में खाई जाने वाली साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 कटोरी साबूदाना। इसे मैंने 7-8 घंटे भिगा कर रखा था। और इसके साथ मैंने लिए हैं 4-5 उबले हुए आलू, 4-5 हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच भुनी हुई मूंगफली और 7-8 करी पत्ते लिए हैं। आलू और हरी मिर्ची को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है और मूंगफली को मिक्सर में दरदरा पीस लिया है। साबूदाना बनाने के लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है। आप तेल अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालूँगी और जैसे ही जीरा तड़कने लगेगा मैं इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दूंगी। कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को सिर्फ 1 मिनट के लिए भूने, उसके बाद मैं इसमें कटे हुए उबले आलू डाल दूंगी। अब गैस की फ्लेम को कम कर लीजिए और आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि इस कढ़ाई में तेल बहुत कम लग रहा है। आमतौर पर लोग साबूदाना में बहुत सारा तेल डालते हैं, पर मैं बहुत कम तेल में साबूदाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डालें, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालें और अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें 7 से 8 घंटे भीगे हुए साबूदाना, उसके ऊपर दरदरी पीसी हुई मूंगफली और 1 चम्मच शक्कर डालेंगे। शक्कर ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। साबूदाना अगर बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो इसमें पानी ना डालें। इसमें आप 2 से 3 चम्मच दही डालकर इसे एक हल्का सा क्रीमी टेक्सचर दे सकते हैं। और दही डालने से साबूदाना खिचड़ी का स्वाद डबल हो जाता है। दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम 4 से 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे ताकि साबूदाना सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से गर्म भी हो जाएगा। साबूदाना को ढककर सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए ही पकाएं, वरना साबूदाना जल सकता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। साबूदाना खिचड़ी परोसने के लिए तैयार है। आप देखिए साबूदाना कितना खिला खिला बना है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।